morning students, my name is Priya and I am a special educator in Swamal Learning Center. Our today's topic is singular and plural. तो आज हम समझेंगे कि singular से plural में हम कैसे change करते हैं. तो singular का मतलब होता है one and plural means many. जब भी हम किसी भी single चीज की बात करते हैं तो singular होता है. जब हम plural मतलब बहुत सारे books, pens, animals, persons की बात करेंगे तो हम plural लगाते हैं. तो अब यहाँ देखते हैं हम while changing singular to plural, we generally add s or es to the end of the word. जब हम singular से plural में change करते हैं तो हम generally s और es add करते हैं. तो हम यहाँ पे दो examples से देखते हैं. boy का अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो हम क्या add कर देंगे, boys. ऐसे ही fox को हम change करेंगे plural में तो क्या लगा देंगे, es. तो अभी हम यहाँ पे कुछ rules देखेंगे कि es हमारा कब लगता है कुछ worksheets के द्वारा. अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट से. अब हम एस कहाँ लगाएंगे, जनरली एस हम नॉर्मल काफी सारे वर्ड्स में लगा सकते हैं. जैसे गर्ल के साथ हम लगाएंगे एस, ऐसे ही बॉय के आगे भी हम लगाएंगे एस तो क्या हो जाएगा, बॉयज. ऐसे बॉल के आगे भी एस लगाएंगे हम प्लूरल में चेंज करने के लिए तो बॉल्स हो जाएगा. ऐसे ही हम आगे भी नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे. अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ई एस. तो es हम कहाँ लगाते हैं, फॉर नाउन दैट एंड इन s, sh एंड ch और x. जहां पे भी ये वर्ड लास्ट में आएंगे वहां पे हम es लगाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है. x के साथ हम क्या लगाएंगे, es. जहां पे भी एंड में आ जाएगा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे sh है, हमने यहाँ देखा ही था sh होगा तब भी हम es लगाएंगे. यहाँ पे ch है तो ch एंड में आएगा तब भी हम es लगाएंगे. तो s आएगा तो भी हम es लगाएंगे. तो बस है तो प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस. बॉक्स है तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस. थैंक यू. हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे.